दिस इज मी फैजान, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में कायनाथ ट्रैवल्स के बस टर्मिनल पे, और आज हम कायनाथ ट्रैवल्स की नई यूटॉन मास्टर नोवा बस को रिव्यू करेंगे। जैसे कि मैं पिछले दिनों मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि मैं नोवा बस को जब वो लॉन्च हुई थी उसके इवेंट पे गया था, और मैंने आपको कहा था कि डिटेल में इसका ब्लॉग बनाएंगे, तो इसलिए आज मैं स्पेशल रावलपिंडी में आया हूँ। आज वैसे यहाँ पे रास्ते भी जो TLP का यहाँ पे प्रोटेस्ट जा रहा है उसका इशू था, लेकिन इसलिए यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ। तो अभी हमारे पीछे जो बस खड़ी है ये कायनाथ ट्रैवल्स की यूटॉन मास्टर की पुरानी बस है, जो कि काफ़ी टाइम से इनकी फ्लीट में चल रही है। लेकिन आज हम जिस बस को रिव्यू करेंगे वो अभी आने वाली है, वो यूटॉन की नोवा बस है, थर्ड जनरेशन बस, और बहुत ही VIP बस है, तो इसको भी वो आने वाली है, इसको रिव्यू करेंगे ब्लॉग को अंदर आप। चले आए, अब आपको रिव्यू करवाते हैं नोवा बस इंटीरियर से, ऐसे मतलब अंदर से कैसी है। बाहर से तो आपको दिखा दिया कि काफी प्रीमियम बस है, तो आइए मेरे साथ आपको अंदर से। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. In this. तो आइए चलते हैं बस में और देखते हैं कि बस अंदर से। I just wanna be happy, happy tonight. बस के अंदर मैं आ चुका हूँ, और बस के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो यूनिक चीज मुझे लगी है, जो कि यूटॉन के पहले मॉडल्स में मिसिंग थी, वो ये थी कि इसके अंदर का जो एक एनवायरनमेंट था, जो खूबसूरत एनवायरनमेंट लगता है लाइटिंग की वजह से या फिर सीटों की खूबसूरती की वजह से, वो यहाँ पे बड़ा इंटेलिजेंटली वर्क किया। मतलब इन्होंने, आप सीटों में देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर वगैरह हैं वो काफी अच्छे हैं, और ये लेदराइज सीट्स हैं, मतलब कि ये लेदर की सीट हैं तो नरम काफी होती हैं, उस वजह से काफी कंफर्टेबल होती हैं। तो है आपको एक बस का थोड़ा और लेंथ में भी थोड़ी ज्यादा है, पर इसके अंदर टोटल जो सीट्स हैं वो 49 है। यूटॉन की थर्ड जनरेशन बस है, इससे पहले भी इनके दो मॉडल्स आ चुके हैं, एक डबल ग्लास में था और एक सिंगल वाला जो होता है वो था, और ये इनका थर्ड मॉडल है। अभी ये कायनाथ ट्रैवल्स ने ये अभी कुछ ही अर्सा पहले लॉन्च हुई है, और कायनाथ ट्रैवल्स ने कराची से रावलपिंडी के रूट पे इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। कायनाथ ट्रैवल्स पहली कंपनी है जो कि इसको ऑर्डर कर चुके हैं, और ये अभी ऑपरेशनल भी हो चुकी है। तो आपको सीट्स के बारे में भी रिव्यू करवाते हैं कैसी है। तो वे सीट्स पे आगे मैं बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेग स्पेस जो है वो बढ़ाई गई है, बस की जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज की गई है, उसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस तो जरूर आता है, तो टांगों के दरमियान जो स्पेस होती है वो बढ़ चुकी है। तो कराची का सफर करना है 200 वाले से, मतलब ये चीज, ये जो गैप था वो फिल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जो एक और चीज यहाँ पे यूटॉन ने ऐड की है वो ये कि यहाँ पे वुडन आर्मरेस्ट दे दिया गया है, तो ये भी चीज काफी अच्छी है। अंदर का एनवायरनमेंट बस के अंदर बैठ के काफी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग जो है इसकी, ये कलरफुल लाइट्स हैं और ये तब्दील होते हुए बड़ी प्यारी लुक देती हैं, तो वो तो जब हम ट्रैवल करेंगे वो आपको बताऊंगा। और सीट्स के यहाँ पे नंबर मेंशन किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, विंडो है या एसल है, ये नंबर भी मेंशन किया गया है। तो कराची से रावलपिंडी ये एग्जेक्टिव क्लास की सर्विस है, इसके अंदर 49 सीट्स हैं, वीडियो ऑन डिमांड सिस्टम में मिलता है, और ये टेबल्स भी लगाए गए हैं, तो अच्छी सर्विस है कायनाथ ट्रैवल्स की, इस रूट की वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है, तो आप इस पर अगर ट्रैवल करना चाहें तो लाजमी कर सकते हैं।
तो वैसे इस मेरे साथ इस बस के ड्राइवर मौजूद है, इनसे बस रूट के बारे में, बस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा सर, आप कब से बस ड्राइव कर रहे हैं इस कंपनी में? 3 साल। अच्छा, आप कराची के रूट पे ड्राइविंग कर रहे हैं? जी जी। तो काइंड सर हमें बताइएगा कि कराची कितनी देर में पहुंचा देती है बस? तकरीबन 18 साढ़े 18। और इसके अलावा आपकी जो सर्विसेज हैं वो आप मतलब स्टॉप्स कितने करते हैं? स्टॉप 4-5 स्टॉप होते हैं। इस बस का जो फेयर है रावलपिंडी से कराची का वो 2700 रुपीज़ है, और रावलपिंडी में जो इनकी लोकेशन है वो पिशावर रोड पे है। और अगर आपने कराची में सफर करना है तो इनके 2 टर्मिनल है। कराची में एक टर्मिनल जो है वो सराब रोड मेन बड़ा बस टर्मिनल, वहाँ से आप जा सकते हैं। और दूसरा इनकी शटल फ्री सर्विस चलती है जो कि आपको ताज कॉम्प्लेक्स लेके जाती है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो इस टाइम कायनाट ट्रेवल्स की 7 बसेस इस फ्लीट में ऐड हो चुकी हैं जो कि अभी तक की हाइएस्ट है। इनोवा की जो चेयरिंग है उसमें इनकी हाइएस्ट है। तो आप इसे बस देख सकते हैं, इसका डिपार्चर होने वाला ये कराची जा रही है। और यहाँ से कर्नाट ड्राइवर्स की एक और इन्फॉर्मेशन है कि बिलाल ड्राइवर्स की अपनी सर्विस शुरू कर दी है। तो इस टर्मिनल से आप लाहौर भी जा सकते हैं, फैसलाबाद भी जा सकते हैं, कराची भी जा सकते हैं। मतलब लाड़काना के लिए इन्होंने अपनी सर्विस का आगाज किया है। यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सर्विस मौजूद है। पिछले मॉडल में आपने देखा होगा ये काफी बड़ा लोगो यहाँ पे होता था, उसकी जगह आप यहाँ पे ड्यूटो मार्केट की काफी प्यारी ब्रांडिंग की है। और उसके अलावा जो लाइट्स हैं ब्लिंकिंग, ये जो आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स हैं, ये काफी मतलब एक प्यारी चीज लग रही है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बस को मुंसलिक बना रही होती हैं। तो ये इस इन चीजों ने इस बस की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया। बस जिस तरह आपको पिक्चर्स में नजर आ रही होती है, मतलब कि रियलिटी में अगर आप इसको देखें तो ये मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगती है। ये छोटी छोटी चीजें इसको एक यूनिक सा टच दे रही है। वाले से बस की लुकिंग ने जो नंबर देना चाहूंगा 10 में। तो ये आप देख सकते हैं कि बस के अंदर एक सेपरेट नीचे रूम होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये आप देख सकते हैं अंदर नीचे वाली साइड पे लगेज कंपार्टमेंट के साथ है, पूरा रूम बना हुआ है। यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊंगा तो एसीज भी लगे हुए हैं, लाइटिंग का सिस्टम है। तो यहाँ पे लॉन्ग रूट है, इस बस के साथ 2 ड्राइवर्स जाते हैं, एक थक जाए तो नीचे एक ड्राइवर होता है। तो पूरा कंपार्टमेंट है, ये भी एक इस यूटोंग बस की यूनिक चीज है। तो यस, यहाँ पे कायनाट ट्रैवल्स पे मुझे मेरे एक फैन भी मिले हैं जो कि मतलब मेरी वीडियो देखते हैं। तो क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। अच्छा, मेरी वीडियोस कहाँ पे देखते हैं? अच्छा, अच्छी लगती है आपका वीडियो? चले, ये मुझे टर्मिनल पे आके मिले थे कि मतलब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो बड़ी खुशी आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया भैया आपका। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।